सजना सवरना तो सबको पता होता है, लेकिन सही से कैसे सजना है ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है। आज आपको 16 श्रृंगार की जानकारी देने जा रही हूँ। ये हर महिला को पता होनी चाहिए। अगर आपको पता होगा तभी तो आप इसे कर पाएंगी और महारानी जैसी खूबसूरत लगेंगी। तो आइए आपको एक एक करके सब बताती हूँ। सबसे पहले बिंदी। बिंदी सुहागन स्त्रियां कुमकुम सिंदूर अपने माथे पर लाल बिंदी जरूर लगाती हैं। आजकल तो बिंदी पैकेट में आ गई है, लेकिन कुमकुम वाली बिंदी की बात ही और है। इसे परिवार में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दूसरा है सिंदूर। सिंदूर को स्त्रियों के सुहाग की निशानी माना जाता है। शादी के वक्त पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरकर जीवन भर उसका साथ निभाने का वचन देता है। काजल। आंखों में काजल एक बहुत खूबसूरत चीज है, सुंदरता तो बढ़ाता ही है। काजल दुल्हन को लोगों की बुरी नजर से भी बचाता है। फिर है मेहंदी। मेहंदी के बिना दुल्हन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। परिवार की सुहागन स्त्रियां अपने हाथों और पैरों में मेहंदी रचाती हैं। नई दुल्हन के हाथों में मेहंदी जितनी गाढ़ी या जितनी डार्क रचती है, ऐसा माना जाता है कि उसका पति उसे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। अभी 16 श्रृंगारों में से सिर्फ 4 की जानकारी दी है, 12 श्रृंगार तो बचे हैं। आगे आपको बताऊंगी, पहले एक और जरूरी जानकारी। आप में से कई लोग चाहते होंगे कि उन्हें सुंदर दुल्हन मिले। सुंदर दुल्हन कैसे मिलेगी ये जानने के लिए आपको कुछ उपाय करने हैं। वो कौन से उपाय हैं, आइए जानते हैं। दुर्गा सप्तशती के रोज अर्गला स्तोत्र का एक पाठ करने से सुंदर सुशील पत्नी मिलती है। अगर अर्गला स्तोत्र का पूर्ण रूप से पाठ नहीं किया जा सके तो अर्गला स्तोत्र के 24वें श्लोक का मंत्र 108 बार पढ़ें या जाप करने से सुंदर हर काम में काबिल पत्नी मिलती है। कोई भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी या फिर चतुर्दशी तिथि से आरंभ कर शादी होने तक पाठ के वक्त शुद्धता रखनी चाहिए। दुर्गा जी की रोज पूजा करें। जल, फूल, फल, मेवा, मिठाई, रौली और साथ साथ कुमकुम या लाल चंदन, गंध आदि से करते रहना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक या दो जरूरतमंद लड़कियों की मदद जरूर करें। रोज सुबह नहाने के बाद 7 अंजलि जल गंधर्व को अर्पित करें और मंत्र का 108 बार मनीमन जाप करें। इसे गुप्त रखें, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं। बहुत आराम से बोलूंगी, आप मंत्र को नोट कीजिए। ओम विश्वा वसुर्ना मगम धर्वो कन्या नाम अधिपति सुरूपाम साल क्रंता कन्या देही में नमस्तस्मे विश्वा वस्वे स्वाहा। अभी तो आपको शादी का जोड़ा, मांग टीका, नथ और बहुत कुछ बताना है, तो चलिए इंतजार क्यों करना, 16 श्रृंगारों के बारे में बहुत कुछ बताना है, वक्त आ गया है। शादी का जोड़ा। शादी के समय दुल्हन को जरी, जरदोसी, जरकन से काम से बना हुआ लाल जोड़ा पहनाया जाता है। भारत में तो लाल रंग के बिना किसी की शादी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। ये पहले होता था, अब तो लोग कलर्स ले लेते हैं। आखिर दुल्हन शादी के दिन लाल रंग का जोड़ा पहनती क्यों है? वैज्ञानिकों की माने तो लाल रंग में महिलाएं सबसे ज्यादा सुंदर दिखती हैं और पुरुष उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। गजरा। देखिए, दुल्हन के जूड़े में जब तक सुगंधित फूलों का गजरा ना लगे तब तक उसका श्रृंगार कुछ फीका सा लगता है। गजरा लगाने से आपका चारों तरफ आपकी खुशबू फैलती है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और आप जिसे आकर्षित करना चाहते हैं वो आपकी तरफ खींचा चला आता है। फिर है मांग टीका। मांगों के बीच पहने जाने वाला सोने का बना मांग टीका सिंदूर के साथ मिलकर स्त्री की सुंदरता में 4 चांद तो लगाता ही है। साथ ही आपकी मांग में टीका पहनने से दिमाग संबंधित क्रियाएं नियंत्रित संतुलित रहती हैं और दिमाग की हर बीमारी को खत्म करती हैं। नथ। वैसे तो दुल्हन आजकल नथ पहनकर शादी के फेरे लेती हैं, लेकिन पुराणों में देवी पार्वती को फेरों के बाद नथ पहनाने के बारे में लिखा गया है। नाक में नथनी पहनने से नोज से रिलेटेड रोग नहीं होते और सर्दी खांसी में राहत मिलती है, इसीलिए शादीशुदा औरतें नाक में लौंग जरूर पहनती थीं। 8 श्रृंगारों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन 8 श्रृंगार बाकी हैं, ये अभी बताऊंगी। लेकिन पहले एक और जरूरी चीज़।